महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। दीदी के कहने साथ भीतर वो कार्यक्रम छो को छाड़ दो कि सुनना चाहे और मैं रेडियो लगा हा। अरे यार मैं तो भूली गई हूँ, क्या कहने बुद्धि के बज्जर पैरों वल्टा पलटा बुद्ध बुद्धि हो रहे हैं, ध्यान में बात नहीं रहा यार, लगा था क्या होना हो मगर सुनो सही जरा उधर कहना चाहिए सुनिया कभी। हो है मैं लोगों थे आज वो फ्राइब्राइड बैन में बहुत कुछ कहने छे थे कि हमले सुन पा। आचल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। आपको शायद याद होगा कुछ दिन पहले हमारे साथ पार्वती जी जुड़ी थी जिन्होंने कहा था उनकी बहू को फाइब्राइड नाम की समस्या है और वो जानना चाहती थी ये समस्या कब क्यों कैसे होती है और इसका उपचार क्या होता है। दरअसल फाइब्राइड महिलाओं को होने वाली ऐसी समस्या है जो उनके गर्भाशय के अंदर होती है। इसमें यूट्रस यानी गर्भाशय के अंदर मांसपेशियां बढ़ने लग जाती हैं जो धीरे धीरे ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। इसी ट्यूमर को कहा जाता है फाइब्राइड। ये अंगूर के आकार की छोटी छोटी भी हो सकती है या फिर कभी कभी खरबूजे के आकार की भी हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर पूजा से कि ये फाइब्राइड आखिर किस तरह की समस्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव, मैं यहाँ रामगढ़ CSC में पोस्टेड हूँ कुछ समय से और आज मैं जो है महिलाओं की कुछ समस्याएं होती हैं उनके रोग होते हैं जननांगों से रिलेटेड उसके बारे में बताऊंगी। जी मैम, आज हम जिस समस्या को लेके आए हैं वो है फाइब्राइड। तो इसको लेके कुछ सवाल मेरे पास हैं जिनको लेके आपसे चर्चा मैं आज करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल मैम, जो हमारे फाइब्राइड है आखिर किस तरह की समस्या है। फाइब्राइड जो होती है इसे आम भाषा में जो लोग होते हैं उसे रसौली कहते हैं। ये क्या होता है, जो बच्चेदानी हम लोगों की होती है स्त्रियों की बच्चेदानी जो होती है उसमें गांठ हो जाती है। ये छोटी भी होती है बड़ी भी होती है। छोटी का अभिप्राय ये है कि ये एक अंगूर के साइज़ की हो सकती है। बड़ी का अभिप्राय ये है कि बढ़ते बढ़ते खरबूजे के आकार की भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है। ये गिनती में एक भी हो सकती है, कई भी हो सकती है। जी मैम, जैसे रसौली आपने बोला ये सामान्यतः लोकल भाषा में इसको जाना जाता है, इसके कारण क्या होते हैं, मतलब क्यों होता है फाइब्राइड आखिर। देखो, ईश्वर ने जो हमारा शरीर दिया है बच्चेदानी जो उसमें होती है इसके कई काम होते हैं, है ना। शरीर के हर अंग का काम है, हाथ का अलग काम है, आंखों का अलग काम है, ऐसे बच्चेदानी का भी काम है। तो एक उम्र आती है जिस पे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हमारे जननांग जो है वो सक्रिय होने लगते हैं जी। तो एक सही समय के बाद मासिक धर्म शुरू होता है जी। कुछ समय के बाद वो मैच्योर होता है और उन हार्मोन्स की वजह से शरीर हमारा बच्चे को जन्म देने के लायक हो जाता है जी। लेकिन जब वो ज़रूरतें शरीर की पूरी नहीं होती हैं तो फिर फाइब्रॉइड बनने लगते हैं जी। मैम सामान्यतः अगर हम फाइब्रॉइड की समस्या की बात करें तो किस उम्र की महिलाओं को ये दिक्कत शुरू होनी शुरू हो जाती है। ये देखो 30-35 के बाद ज़्यादा होती है, इसके पहले ही नहीं होती है। जब शरीर हमारा इस लायक हो गया कि वो दैहिक संबंध बना सके, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके और बच्चे को जन्म दे सके जी। तो जब 30-32-33 साल तक भी ये इच्छाएं पूरी शरीर की नहीं होती है ना जी। तब जाकर बच्चेदानी में फाइब्रॉइड बनने लगता है। क्यों? क्योंकि वो यूट्रस बच्चेदानी चाहती है कि वो एक गर्भ को पैदा करे जी। लेकिन वो चीज़ उसके साथ हो नहीं पाती है, उस चीज़ को ना पाते हुए कुछ उसके अंदर परेशानी शुरू हो जाती है और रसौलियाँ बनने लगती हैं जी। मैम, जो हमारा ये फाइब्राइड की समस्या है ये आगे जाकर कोई गंभीर रूप भी ले सकती है, मतलब अगर किसी महिला को फाइब्राइड हो गया है तो क्या आगे जाके ये संभावना है कि उसको कोई गंभीर तरह की समस्या हो जाए। हाँ बिल्कुल है, जैसे अगर हम माने कि 100 महिलाओं को अगर रसौली हो गई है तो 0.2% केसेस में वो कैंसर में हो जाती है, ठीक है। कुछ लोगों को उसमें से कैंसर हो जाता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन फाइब्रॉइड भी अपने आप में एक समस्या है और इसका समाधान बहुत ज़रूरी है। अन्यथा जो है महिलाओं में रजो निवृत्ति के समय बहुत समस्याएं होती हैं, अनियमित मासिक चक्र हो जाता है, फिर खून की बहुत कमी हो जाती है जी। तो ये सब परेशानियाँ होती हैं।
मैम क्या आपके मतलब नज़र में कभी कोई ऐसी महिला आई है जिसको ये समस्या हो? हाँ, बहुत महिलाएं हैं। क्यों? क्योंकि फाइब्रॉइड जो है, अगर देश का अपना रिकॉर्ड देखा जाए तो हर 8वीं 10वीं महिला को ये समस्या होती है जी। तो ये समस्या उन्हीं लोगों को मैंने बताया ज़्यादा होती जो 30-35 के करीब होते हैं, जिनके उस उम्र तक दैहिक संबंध नहीं बने होते जी। या उन्होंने उस समय तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया होता, तो उन लोगों में समस्या ज़्यादा होती है। और जो लोग ध्यान नहीं देते उनके साथ अनियमित मासिक चक्र की परेशानी जी। बहुत ज़्यादा रक्तस्राव की परेशानी, और जब रक्तस्राव होगा तो ये स्वाभाविक बात है कि कमज़ोरी होगी, खून की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, चक्कर आना, बेहोशी, ये सब समस्याएं जन्म लेती हैं जी। मैम अगर किसी महिला में ये समस्या हो जाए तो उसकी आम जिंदगी किस तरह प्रभावित हो सकती है इस समस्या से? जैसा मैंने बताया कि शरीर में खून की कमी होगी जी। गांव वगैरह में तो लेडीज़ और भी ज़्यादा काम करती हैं, बहुत वर्किंग होती हैं, बहुत मेहनत होती है उनके ऊपर। तो अगर खून की कमी होगी तो चक्कर आना, बेहोशी, और इस तरह की लेडीज़ जो हैं उनको फिर आगे बच्चा पैदा करने में बहुत समस्या होती है। क्यों? क्योंकि एक तो गर्भ नहीं ठहर पाता, गर्भ अगर ठहर गया तो उसका अबॉर्शन होने के चांस रहते हैं जी। या अबॉर्शन नहीं भी हुआ तो वो 9 महीने तक बच्चे को पेट में नहीं रख पाते, 7वें 8वें महीने में अबॉर्शन हो जाता है जी। तो इससे उनको गर्भपात की संभावना जो है बढ़ जाती है जी। दूसरी बात ये कि खून बहुत गिरता है, और बच्चेदानी में अगर ये जो फाइब्रॉइड है बहुत भारी है, बड़े आकार का है, तो वो बच्चेदानी को प्रोलैप्स भी करवा देता है, यानी कि अपनी जगह से बच्चेदानी सरक जाती है। उस केस में फिर एक ही इलाज होता है कि उसको फिर निकलवाना पड़ता है जी। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं फाइब्रॉइड की वजह से होती है जी। मैम इस समस्या को अगर किसी महिला में समस्या होगी तो उसकी पहचान कैसे करें? और मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहती हूँ, इसके जो लक्षण होते हैं क्या उनको केवल देख के जाना जा सकता है, या फिर इसकी कुछ जाँच वगैरह भी करवाई जा सकती है? जाँच भी कराई जा सकती है, लक्षण भी होते हैं। देखो लक्षण तो ये होते हैं कि जब ऐसी महिलाओं के मासिक चक्र शुरू होता है तो जो पीरियड्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा पेन के साथ आते हैं जी। और बहुत क्रैम्प्स वाले पेन होते हैं, मतलब कि जैसे मतलब बिल्कुल अनबेरेबल हो जाता है, मरीज उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, सडनली रुक जाएगा, फिर सडनली बहुत तेज पेन होगा, ऐठन के साथ दर्द होगा जी। और सडनली रक्तस्राव बढ़ जाएगा, उसमें कुछ ब्लड के क्लॉट्स भी आते हैं, इस तरह का जो है मासिक चक्र होता है। और दूसरी बात ये कि अनियमित होता है, जैसे नॉर्मली हम सोचते हैं कि 28 दिन पे मासिक चक्र आता है जी। वो 28 से 26 दिन हो जाए, 30 दिन हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी महीने में 2 बार आ जाएगा, 15-15 दिन पे आ गया, कभी फिर 35 दिन पे आया, कभी 18 दिन पे आया, इस तरह का होता है। और उसके साथ साथ ऐसे लोगों को इन्फेक्शन वगैरह नीचे का बहुत हो जाता है जी, जननांगों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है जी। मैम इसकी पहचान के लिए टेस्ट, किसी प्रकार के टेस्ट भी होते हैं? अल्ट्रासाउंड से बहुत आसानी से पता चल जाता है ठीक है, अल्ट्रासाउंड से, MRI से बहुत आसानी से फाइब्रॉइड के बारे में पता चल जाता है। और फाइब्रॉइड जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं जी। जैसे एक सबम्यूकस फाइब्रॉइड होता है, फाइब्रॉइड एक्चुअली क्या होता है कि जो बच्चेदानी में मांसपेशियां होती हैं उसी में गांठ बन जाती है जी। कुछ गांठें ये ऐसी होती हैं जो बच्चेदानी की जो अंदर जगह होती है ना खाली, उसमें होती हैं, तो ये जो होती हैं ये बच्चों को ठहरने नहीं देती, कुछ मांसपेशियों के अंदर अंदर बनते हैं, और उन्हें हम मायोमेट्रियल फाइब्रॉइड कहते हैं। तो इनका सबका इलाज सबके हिसाब से अलग अलग होता है जी। हाँ। मैम इसका उपचार, आपने बात की कि इसका उपचार भी संभव है, तो चिकित्सकीय रूप से इसका किस तरह प्रकार मतलब उपचार करवाया जा सकता है, और कहाँ ये उपचार उपलब्ध हो सकते हैं? उपचार देखो रसौली का या फाइब्रॉइड का इस तरह का होता है कि जब फाइब्रॉइड बन जाता है तो फिर वो उसे हमें रिमूव ही करवाना पड़ता है जी। उसके लिए हमें किसी अच्छे अस्पताल में जहाँ पूरी सुविधा हो, आजकल तो लेसिक लेज़र विधि से भी ऑपरेशन होते हैं, तो वो लोग बच्चेदाने में छोटा सा कट लगा के और उस गांठ को निकाल देते हैं जी। लेकिन वो किसी तरह से जो है नकारात्मक प्रभाव वाला नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि वो कैंसर बन जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो ईजिली उसको निकल जाता है। निकल के फिर स्त्री थोड़ा आराम करती है, कुछ दवाएं लेती है, वो ठीक हो जाती है और उसकी लाइफ पहले की तरह हो जाती है। रसौली का या फाइब्रॉइड का जब ऑपरेशन होता है तो ज़रूरी नहीं कि बच्चेदानी पूरी निकल जाए, ये डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड कितना बड़ा है, कैसा है। अगर वो पूरा ही लिए हुए है और बच्चेदानी को भी उसने काफ़ी ख़राब कर दिया है, तब तो बच्चेदानी निकलेगी, नहीं तो सिर्फ वो छोटा सा फाइब्रॉइड ही निकाल के अलग कर देंगे और बच्चेदानी सेफ रहेगी, आगे भी स्त्री चाहे तो वो गर्भ उसको धारण कर सकती है जी। मैम जैसे अगर फाइब्रॉइड का जब उपचार करवाया जाता है, इसमें कुछ खर्चा अगर हम बात करें कितना लगभग आता होगा? देखो अगर सरकारी अस्पतालों में ये उपचार होता है तो वहाँ तो जो मिनिमल एक ऑपरेशन की फ़ीस होती है वो लगती है जी। हाँ प्राइवेट के रेट अलग अलग होते हैं, प्राइवेट में तो 25-30 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये करीब खर्च होते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में सरकार ने सुविधा दे रखी है तो वहाँ पर तो डॉक्टर्स बहुत कम चार्ज, जो रीजनेबल है वही ऑपरेशन शुल्क लगता है जी। मैम
अगर मतलब कोई महिला ये चाहे कि उसको ये समस्या आए ही ना, तो इसके लिए वो पहले ही किस तरह की सावधानी अपनाए, अपने जीवन में मतलब किस तरह का थोड़ा सा बदलाव लाए कि उसको फाइब्रॉइड की समस्या उत्पन्न ही ना हो। देखो, इसके लिए सबसे पहली बात तो आजकल की जीवन शैली में आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल जीवन शैली में तनाव बहुत है जी, सभी लोगों को तनाव बहुत है। सभी लोग व्यायाम करना, खुली हवा में सांस लेना, इस तरह के हैबिट्स सबकी छूटती जा रही है। तो मैं तो सभी से यही कहूँगी कि सुबह उठें, व्यायाम करें, खुली हवा में सांस लें, घूमें और अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाने की कोशिश करें। परेशानियां तो सभी के जीवन में आती हैं, उससे आसानी से कोई समाधान निकालें। और दूसरी बात ये कि जो भी काम जीवन में है वो सही समय पर होना चाहिए। जैसे कि एक लड़की की शादी ना तो 15-16 साल से 18 साल से पहले हो, क्योंकि उससे पहले भी अगर दैहिक संबंध बनते हैं और बच्चेदानी में जल्दी गर्भ पनपना शुरू हो जाता है तो वो भी जो है नकारात्मक प्रभाव लेके आता है जी। तो सही समय पर 21-22 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो, सही समय पर वो दैहिक संबंध बनाएं और गर्भ धारण करें, सही समय पर बच्चों को जन्म दें, यानी कि 35 साल की उम्र से पहले पहले वो अपने दो बच्चों को जन्म दे लें, तो इस तरह की परेशानियाँ नहीं आती हैं। और अगर किसी के जीवन में किसी को कोई परेशानी लग रही है कि मेरा मासिक धर्म अनियमित हो रहा है या रक्तस्राव बहुत ज़्यादा हो रहा है या मुझे दुर्गंधयुक्त सफ़ेद स्राव आ रहा है, तो अगर ऐसी समस्याएं लग रही हैं तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाकर अपना उनकी राय लेकर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएं, जिससे कि सही समय पर उपचार हो सके। शुरुआत में ही पता चल जाएगा तो छोटी से छोटी रसौली भी निकल जाएगी, और अगर देर करेंगे तब आगे जाके गंभीर समस्या उत्पन्न होगी। जी मैम, मान जी जिन महिलाओं को फाइब्रॉइड की समस्या हो गई, अब वो किस प्रकार अपने खान पान का या फिर अपनी दिनचर्या का ख्याल रखे ताकि ये समस्या और गंभीर ना हो? और जैसे किसी महिला ने ऑपरेशन करवा लिया है तो उसके बाद उसका किस तरह का खान पान होना चाहिए? खान पान देखो हमारा जो है प्रोटीन युक्त होना चाहिए जी। क्योंकि जो हम प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं वो हमारे शरीर की जो जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको ताकत देता है, और दूसरा उस पर चर्बी जमा होने नहीं देता जी। अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वसा युक्त भोजन करते हैं तब तो चर्बी बढ़ती है, लेकिन प्रोटीन युक्त से हमें ताकत मिलती है। तो औरतों के लिए मैं यही कहूँगी कि वो हरी साग सब्जियाँ, आयरन लें, और जैसे भुना हुआ चना हो गया, गुड़ हो गया और पालक का साग, इस तरह के साग वगैरह खाएँ। और प्रोटीन युक्त भोजन यानी कि दालें, दालें हो गई, सोयाबीन हो गया, फलियां हो गई, मटर हो गई, इस तरह की चीज़ों को ले जी। और इस बस इसके साथ दूध, जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो लोग अंडा, इस तरह की चीज़ों का सेवन करें समय समय पर, तो वो ठीक रहता है जी। और दिनचर्या में जो है जो बदलाव लाना है वो यही है कि तनाव से दूर रहें, खुली हवा में सांस लें, नियमित रूप से थोड़ा सा व्यायाम करें, इतना ही सफिशिएंट है जी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने आज हमारी महिलाओं को फाइब्रॉइड होने वाली जो समस्या होती है उनको आमतौर पर देखी जाती है उसके बारे में हमको जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का भी। तो ये थी डॉक्टर पूजा जी, जिन्होंने हमें बताया फाइब्रॉइड में किस तरह की समस्या होती है, किस तरह के लक्षण होते हैं और इसका किस प्रकार हम उपचार कर सकते हैं। और अगर आप में भी फाइब्रॉइड के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो बिना डॉक्टर से परामर्श किए ये मत समझ लीजिए आपको यही समस्या हो सकती है, क्योंकि अक्सर इस तरह के लक्षण अन्य बीमारियों में भी देखे जा सकते हैं। पर हाँ, अगर डॉक्टर कहे आपको फाइब्रॉइड है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह करके उसका उपचार करें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारी पार्वती जी को भी, उनके बहू को आखिर किस तरह की समस्या है, फाइब्रॉइड क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके बारे में पता चल गया होगा। अब वो अपनी बहू का ध्यान रखेंगी। और साथ में हमारी अन्य महिलाएं भी जिन्हें अभी शुरुआत में इस तरह की समस्या आ रही हैं वो डॉक्टर से जाके परामर्श करेंगी, उनसे बातचीत करेंगी, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपकी रेडियो साथी कविता बिष्ट आपसे फिर से करेगी मुलाकात महकता आंचल कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।